हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। तो मैंने सोचा कि मैं बैग को अनपैक कर रही हूँ, उतनी देर में आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, वीडियो शेयर कर देती हूँ। क्योंकि वीडियो अगर नहीं जाती है तो आप लोगों की डिमांड होती है कि दीदी रोज़ ब्लॉग शेयर किया करो। टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसी टाइम पर बुटीक पर शादी के ऑर्डर है, तो उनको भी देखना है। और यही टाइम है कि आना जाना लगा हुआ है। ये अनपैक होगा, ये फिर से पैक होगा, क्योंकि फिर से मुझे बाहर जाना है। सारी चीज़ों को इतने टाइम पर ही मैनेज करना है। ताशी के एडमिशन का भी चल रहा है, क्योंकि दो स्कूल वैसे तो मैंने रखे हुए हैं, लेकिन जो मेरी प्रायोरिटी है, जो मुझे चाहिए है कि हाँ इसमें एडमिशन हो, उसमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि दिक्कत जाएगी। क्योंकि स्कूल भी अच्छा है और सभी लोग चाहते हैं, सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चा जो है वो बेस्ट स्कूल में ही पढ़े, पर इतनी सीट नहीं होती, हम भी समझते हैं। उस चक्कर में थोड़ा सा वो भी अलग है, सारी चीज़ें साथ में ही हो रही हैं, इसलिए कुछ और व्लॉग शूट नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छा रहा फंक्शन, बहुत बहुत अच्छा रहा। वैसे भी जो खुशी के मौके होते हैं ना, वो सभी को अच्छे लगते हैं। स्पेशली ये जो लहंगा है ना, मैं आपके साथ में पहले ही शेयर कर दूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी। इस लहंगे की इतनी ज़्यादा डिमांड आई है। ये साड़ी आप देख रहे हैं जो मैंने अम्बाला में वेयर की थी, मेरी पहनी हुई साड़ी ही चाहिए थी जो सेल हो चुकी है ऑनलाइन पेज से। तो ये जो लहंगा है, आप लोगों को चाहिए हो अगर, क्योंकि इसके और भी पीसेस हैं, आप लोगों को फ्रेश चाहिए, फ्रेश ही मिलेगा। ये डिमांड पर थी कि मेरा पहना हुआ कपड़ा ही उनको चाहिए है, तो ये साड़ी इसलिए सेल हुई है। बाकी ऑनलाइन पेज नेहाज बुटीक आप जाकर सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और अगर नहीं तो आप नेहा ताशी जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर जाएंगे तो बायो में मेरा पेज जो है वो मेंशन है, वहाँ जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम एक्टिव है, क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन पेज ज़्यादा देख नहीं पा रही हूँ, तो टीम ही उस पर काम कर रही है। गला देख रहे हो, जगह जगह का पानी और सर्दी खांसी बुखार, सभी लोग बीमार पड़े हुए हैं। क्योंकि गर्मी, दिन में इतनी गर्मी थी नोखा में, और शाम को एकदम से ठंड। तो ये लहंगा बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और लग भी बहुत प्यारा रहा था, सुंदर लग रहा था लहंगा, खासकर इसका दुपट्टा, जयपुरी दुपट्टा पूरा इसका। कंफर्टेबल भी ये, बहुत हैवी भी नहीं और लाइट भी नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था ये जो है। और ये जो ड्रेस है, ये मैंने शाम के फंक्शन में वेयर की थी। शाम के लिए मैं कुछ और लेकर गई थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना पूरा दिन ये लहंगा पहन के, कि मेरा मन ही नहीं किया, इसलिए मैंने शाम को कुछ भी नहीं किया, बस इस हल्का सा सूट डाल लिया था, ये भी नियाज बुटीक का। तो वो जो मेरी ड्रेस है वो वहाँ उस साइड मेरे बैग में पैक ही रखी हुई, क्योंकि वो भी हैवी थी। पर बर्थडे सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छे से हो गया। और एक बात मैं शेयर कर दूं आप लोगों के साथ में, कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इस खास मौके पर, इस खुशी के मौके पर सब रोए क्यों थे। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा हम अपने दुख के कारण ही रोते हैं, या फिर अगर मेरे रोने का कारण है तो वो सिर्फ एक ही कारण होता है। हुआ यह था कि आप लोग रिया को जानते ही होंगे, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, या सरिता के ब्लॉग में, बाकी सबके ब्लॉग में आपने देखा है। तो बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी लड़की है, हमेशा सबको हंसाने की, खुश रखने की कोशिश करती है। उतने टाइम पर फंक्शन सारा जब हो चुका था, तो सृष्टि भी तभी निकल रही थी, आरती जी भी निकल गए थे, क्योंकि उनके देवर की शादी है। वो साड़ी दे ना, कौन सी? करो तू, सचिन क्या पहनी तुझे? ये लो, इसकी तो जरूरत नहीं है, ये करवा दो। रेडी हो मेरी? वाह वाह, सुंदर लग रही, खुश हो जाती मम्मी तारीफ। खाना खा रही, बस मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ, 2 दिन से कुछ डाला नहीं, तो यही मैं अनपैक कर रही हूँ, यही शूट करके फिर जा रही। दरवाजा लगा दो, आवाज आती है। जल्दी आना, जल्दी हो रही हूँ मम्मी, बुटीक का टाइम हो रहा है, मेरे को बुटीक जाना है। तो हम बात कर रहे थे रिया की, रिया और सृष्टि उतने टाइम पर साथ में ही निकल रहे थे, और दोनों ही बहुत ज़्यादा रो रहे थे। सृष्टि से मेरा अलग ही बॉन्ड है, क्योंकि वो ही है जो मुझे गहराई से समझ सकती है, वो मेरे इस पल को जी चुकी है, तो उसको पता है कि मैं कब क्या फील करती हूँ, मेरे बिना कहे वो उस बात को समझ जाती है। तो उससे तो खैर कनेक्शन ही मेरा अलग है, और रिया का कनेक्शन तो सभी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बच्ची है हम सबके लिए। वो इतना रो रही थी ना, और इतने टाइम पर अमित भैया, अमित मिश्रा को आप जानते हैं, उन्होंने दोस्ती वाला गाना प्ले कर दिया कि तेरे जैसा यार कहाँ, उसका हाथ पकड़ के लेके गए, अगर आपने ध्यान से वो वीडियो देखी हो, हाथ पकड़ के लेके गए, और वो गले लग कर इतना रोई है। तो वो जैसे ही गले लग कर रोई है, वहाँ जितने लोग थे ना, सारे लोगों के आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे। तो हेमंत के बर्थडे पर सबके रोने का कारण ये था, कि जैसे ही वो मोमेंट हमने देखा है ना, और होता है ना फिर ऐसा कुछ होता है, तो फिर और
कुछ कुछ मोमेंट्स सबके याद आ जाते हैं, तो सब कुछ कुछ सोच रहे थे, कोई अपने किसी दोस्त को याद कर रहा था, कोई अपने किसी पार्टनर को याद कर रहा था, तो वो जो मोमेंट था वो इस कारण इतना इमोशनल था। हर बार हम अपने दुख के कारण नहीं रोते हैं, वो इतना, मतलब मैं अभी भी उसको याद कर रही हूँ ना, तो जैसे ही हमने देखा ना, एकदम से सबके आंखों में आंसू है। बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। जब भी हम मिलते हैं ऐसे खास मौके पर, तो बहुत सारे पल ऐसे होते हैं जिसके पीछे की बातें सबको नहीं पता होती हैं कि ये किस कारण हुआ, क्यों हुआ। तो कारण होते हैं, हर बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। सरिता की गोद भराई मकर संक्रांति के दिन थी, और ये दिन सभी के यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग रूप में किया जाता है, लेकिन मनाते सभी लोग इस दिन को हैं। पंजाबियों में तो ये बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि हम अपने बड़ों को, जैसे जो भी हमारे घर में हमारे पूजनीय हैं, हम उनको कपड़ों के साथ में या फिर जो भी हमें पूरा सुहाग का सामान हम उनको देते हैं, और बाकी 14 लोग जो होते हैं, 14 सुहागने जो होती हैं, हम उनको जो भी हमारी स्वेच्छा से देना चाहें वो हम देते हैं। ये हमारे यहाँ होता है और मैं हर साल ये करती हूँ। इस साल मैं वहाँ थी और यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा पाई, तो जिस दिन शाम भजन थे उस दिन हम लोग दोपहर में मार्केट गए, और वहाँ से फिर मैंने सिंदूर की डिब्बी खरीदी थी कि मैं सबको कम से कम सिंदूर बांटूंगी। और भी मुझे कुछ कुछ लेना था, लेकिन वहाँ की शॉप्स मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने सरिता को तो पूरा श्रृंगार का सामान दिया था और बाकी फिर 14 मैंने सिंदूर की डिब्बियाँ ली थी। पर देने में इतना डर लग रहा था ना, कि इसलिए मैंने स्पेशली सबको पहले ही बोल दिया था कि आप लोग बता दीजिए अगर कोई दिक्कत हो, तो मैं नीतू दीदी के हाथ से दिलवा दूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि मन में आता है कि हम तो करना चाहते हैं, पर इतनी डांट पड़ी है मुझे, ये जैसे ही मैंने बोला है सबने इतना चिल्लाया। आकांक्षा ने तो सिंदूर की डिब्बी को अपने मंदिर में रखा हुआ है कि पहले मैं इसको मंदिर में रखूँगी क्योंकि आपने दी है, और क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान से सबने लिया और बहुत डांट कर लिया कि ऐसा कैसे बोल सकते, तुम्हारे हाथ से मिलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कामना करती हूँ जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और जिन तक ये मैं नहीं भिजवा पाई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए थे, क्योंकि दूसरे दिन मैंने दिया था, 15 तारीख को तो मैं नहीं दे पाई थी, बाद में मैंने दिया, तब तक आधे लोग चले गए थे, तो उन लोगों के लिए भी मेरी यही कामना है, मन से यही आशीर्वाद, यही दुआ है कि बंगला गाड़ी हो ना हो, कुछ आपके पास हो ना हो, लेकिन हर सुबह आपके हाथ में ये सिंदूर की डिब्बी, ये प्लास्टिक की सिंदूर की डिब्बी जिसको आप हर महीने भर सको, ये ज़रूर हो, ये कामना मैं करती हूँ। क्योंकि जो हमारे पास नहीं होता उसका एहसास हमें होता है और उसकी अहमियत भी हमें पता होती है। बस यही कामना है कि सभी के घर में इसी तरह से खुशहाली हो। अब हमारे घर भी एक इवेंट आने वाला है, क्योंकि ताशी के बर्थडे पर मैंने कभी किसी को बुलाया नहीं है, हमेशा ऐसे घर वालों के साथ में ही सेलिब्रेट किया है। तो पर इस साल उसका कंछेदन भी नहीं हुआ है, तो उसका कंछेदन भी मुझे करवाना है, तो मैंने सोचा कि एक ही मौके पर करवा लेंगे, और होली पड़ रही उतने टाइम, 31 मार्च का ताशी का बर्थडे है, तो वो हमने सोचा हुआ है, क्योंकि हम सभी जगह गए हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेहमान नवाजी का मौका हमको भी मिले। सब फिर से इकट्ठा हो, फिर से वही मस्ती हो, तो कैसे क्या होगा वो तो हम देखकर भी सभी लोग बैठेंगे, भाई भाभी मम्मी पापा हम लोग तो बैठकर डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है, लेकिन हम कुछ तो करेंगे ताशी के बर्थडे पर, सभी लोगों को फिर से अपने घर बुलाएंगे और फिर से वही हंसी खुशी का माहौल होगा। चाहते हैं अब वो कैसे क्या होगा वो तो समय के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता चल ही जाएगा। बाकी सब कुछ बहुत बहुत अच्छा रहा, और ये दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला। स्पेशली थैंक्स सरिता, जेठू भैया हमेशा बच्चे की तरह ही रखते हैं, वो महसूस ही नहीं होने देते हैं कि मैं सरिता की दोस्त हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बेटी वाली फीलिंग आती है ना, कि बिल्कुल बच्चों की तरह रखते हैं कि तू बच्ची है, तू चिंकी है, वो नेहा मुझे समझते ही नहीं है, मुझे चिंकी ही समझते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपके यहाँ आकर हमें सच में बहुत अच्छा लगा। अब चलिए चलते हैं, जल्दी से मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे खाना खा के तुरंत बुटीक के लिए निकलना, फिर सामान लेने के लिए वहाँ से मैं निकलूँगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैं लेट सोती भी तो भैया, मैं बहुत लेट सोती हूँ। तो कौन बाहर घूमते रहते हो, लेट तक घर में ही रहते हो ना, उतना सारी ठंड पता चलेगी, अरे के अंदर बात हो कौन सारी ठंड पता चलेगी, लेट सोती हूँ ना, रात के 2 बजे घर में एंट्री हो रही है, ठंड को महसूस करने के बाद
मान लिया मैंने भैया, मैंने मान लिया कि बहुत ठंड है, भयंकर ठंड है। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।